नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप पंजाब एंड सिंध बैंक जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक है इसका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भर सकते हैं। वेल, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल तुरंत सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल वाले बटन को भी जरूर दबाइएगा ताकि हमारे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो वेल, अगर आपका अभी भी कोई भी सरकारी बैंक में अकाउंट नहीं है तो पंजाब एंड सिंध बैंक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है क्योंकि एक सरकारी बैंक है और इसमें मात्र आप 1000 से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज ही आप कोई भी पंजाब एंड सिंध बैंक के नज़दीकी ब्रांच में जाके फॉर्म लेके भर के अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो मैंने आपके लिए इस फॉर्म को भर के स्कैन करके रख लिया ताकि आप बड़ी आसानी से समझ सके। अगर डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो अगर आपके पास आज की डेट में पैन कार्ड और आधार कार्ड है तो बड़ी आसानी से आप अकाउंट खोल सकते हैं। तो एंट्रीज आपको किस तरह से भरना है चलिए अब सीखते हैं। तो चलिए इस फॉर्म को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं एंट्रीज आपको किस तरह से भरनी है। सबसे पहले टॉप में यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रांच नेम। ठीक है, तो ब्रांच नेम में जिस भी ब्रांच से आप ये फॉर्म लेके आएंगे उस ब्रांच का आपको यहाँ पे नाम डाल देना है। जिस ब्रांच में आप ये फॉर्म लेके आएंगे और सबमिट करेंगे वो आपकी होम ब्रांच होगी। ठीक है, तो ब्रांच का नाम आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद लिखा है टू बी फिल्ड बाय बैंक, तो ये तीन कॉलम आपको छोड़ देना है क्योंकि ये तीन कॉलम बनेंगे बैंक। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटो चिपकाने के लिए कॉलम है। तो अगर आपका ये अकाउंट जो आप खुलवा रहे हैं ये अगर सिंगल अकाउंट है यानी कि एक इंसान इस अकाउंट को चलाएगा तो सिर्फ उसको अपनी यहाँ पे फोटो चिपकानी है और यहाँ पे साइन करना है। ध्यान रखिए जो साइन आप करेंगे वो बैंक के रिकॉर्ड्स में हमेशा के लिए सेव हो जाएगा। तो जो भी आप साइन यहाँ पे करते हैं उस साइन को आपको याद रखना है ताकि फ्यूचर में अगर आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको ये वाला साइन करना होगा। अगर जॉइंट खाता है तो दूसरे एप्लीकेंट को अपनी फ़ोटो यहाँ पे चिपकानी होगी और बगल में साइन करना होगा। जैसे कि इस फॉर्म में हम सिंगल एप्लीकेंट के तौर पे इस फॉर्म को सीख रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक फ़ोटो चिपकानी है और यहाँ पे साइन कर देना है। ठीक है, तो ये कॉलम पूरा हो जाएगा। उसके बाद फॉर्म को थोड़ा नीचे करते हैं और यहाँ पे आपको डाल देनी है डेट जिस दिन आप इस फॉर्म को सबमिट करेंगे। उसके बाद ब्रांच ऑफिस में यहाँ पे आपको फिर से ब्रांच का नाम डाल देना है जहाँ से आप ये फॉर्म लेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है प्लीज़ ओपन, तो किस टाइप का अकाउंट है, सेविंग अकाउंट या करंट है, तो हम सेविंग अकाउंट में टिक लगा देंगे जो कि बचत खाता होता है। करंट अकाउंट अगर खुलवाना चाहे तो वो भी आप टिक लगा सकते हैं लेकिन ये करंट अकाउंट थोड़ा सा महंगा होता है तो हम टिक लगाएंगे सेविंग अकाउंट में जो हम फॉर्म में सीख रहे हैं। उसके बाद नीचे लिख के आया है नेम स्लैश टाइटल ऑफ अकाउंट, इसमें आपको अपना पूरा नाम डाल देना है। ठीक है, और ध्यान रखना आप जो भी नाम डालेंगे वो कैपिटल लेटर में डालना है, ठीक है, स्मॉल में नहीं डालना है आपको। उसके बाद आते हैं पर्सनल डिटेल, यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल डालनी है। तो सबसे पहले नंबर पर आता है नेम ऑफ इंडिविजुअल, यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना है। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट एप्लीकेंट, तो ठीक है उसके नीचे आप देख सकते हैं लिखा है टाइटन मिस्टर या मिस, तो जो भी आपका टाइटन है वो आपको चूज़ करना है। उसके बाद आपको अपना पूरा नाम डाल देना है। ठीक है, दोनों नाम के बीच में आपको एक कॉलम छोड़ देना है, पहले आपको फर्स्ट नेम डालना है फिर मिडिल नेम डालना है और अगर लास्ट नेम है वो आप डाल सकते हैं। अगर फर्स्ट और लास्ट नेम है तो पहले आपको फर्स्ट नेम डाल देना है, एक कॉलम आपको छोड़ना है फिर आपको लास्ट नेम डाल देना है। ठीक है, सेकेंड एप्लीकेंट अगर है जैसे जॉइंट खाता है तो उसको भी अपना सबसे पहले टाइटन चूज़ करना है, उसके पहले अपना फर्स्ट नेम डालना है, मिडिल नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है और अगर मिडिल नेम अगर नहीं है तो उसको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट नेम डालना है और एक ब्लॉक छोड़ के अपना लास्ट नेम यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको डालना है नेम ऑफ फादर। ठीक है, तो पहले एप्लीकेंट को अपने फादर का नाम डालने के लिए सबसे पहले अपने फादर का प्रीफिक्स यानी कि टाइटल चूज करना है, उसके बाद अपने फादर का नाम डाल देना है जैसे कि उसने अपना नाम डाला था फर्स्ट नेम मिडिल नेम और लास्ट नेम। और दूसरे एप्लीकेंट को अगर ज्वाइन खाता है तो उसको भी अपने फादर का नाम डाल देना है फर्स्ट नेम मिडिल नेम और लास्ट नेम जैसे कि उसने अपने जैसे कि पहले भी एप्लीकेंट ने भर रखा है। और ध्यान रखें आप लोग को सबसे पहले टाइटन चूज़ करना है फिर फादर का नाम डाल देना है। अगर सिंगल अकाउंट है तो ये दूसरा वाले एप्लीकेंट को आपको नहीं भरना है। तो मुझे उम्मीद है आप समझ चुके होंगे यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे आता है जेंडर चूज़ करने को, अगर सिंगल एप्लीकेंट वाला है यानी कि सिंगल अकाउंट है तो आपको अपना जेंडर चूज़ करना है मेल फीमेल और या थर्ड जेंडर। ठीक है, और सेकंड एप्लीकेंट को यहाँ से चूज़ करना है कि क्या है मेल फीमेल, आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको चूज़ कर लेना है, पहले एप्लीकेंट को डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चूज़ कर लेना है। ठीक है, और दूसरे एप्लीकेंट को यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देना अगर जॉइंट खाता है तो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है पहले एप्लीकेंट को, और अगर जॉइंट खाता है तो दूसरे एप्लीकेंट को अपना पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, अब आता है कि अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो फॉर्म 60-61 आपको भरना होता है। ठीक है, जो आपको बैंक से मिल जाएगा, ये नेक्स्ट पेज हम सीखेंगे कि फॉर्म 60-61 कैसे भरा जाता है। तो अगर आपके पास पैन कार्ड है तो यहाँ पे नंबर आपको डाल देना है और सेकेंड एप्लीकेंट को यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर डाल देना है अगर ज्वाइंट खाता है तो। उसके बाद
फिफ्थ कॉलम में आपको डालना है अपने घर का एड्रेस, ठीक है, परमानेंट एड्रेस आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। स्टेट चूज कर अपना एड्रेस डालना है, स्टेट डाल देना है कौन सी स्टेट है, पिन कोड डाल देना है, नेशनैलिटी में इंडियन डालना है, मोबाइल नंबर डाल देना है और ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डाल देना है। कोई दूसरा एड्रेस है, लोकल एड्रेस है, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। भरने का तरीका एकदम सेम है जैसे आपने परमानेंट एड्रेस कॉलम भरा था। उसके बाद सिक्स में आता है आपका स्टाफ मेंबर, क्या आप बैंक स्टाफ मेंबर हैं, तो नो पे आपको टिक लगाना है। माइनर 18 साल से कम है, अगर है तो यस पे टिक लगाना है, नहीं तो नो पे टिक लगाना है। और इन केस अगर आप 18 साल से कम हैं, ठीक है, और ये अकाउंट खुलाते तो आप माइनर में आते हैं, उस कंडीशन में आपको सबसे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, ठीक है, पहले डेट डाल दी है, डेट डाल देनी है, ठीक है, फिर मंथ डालना है, फिर ईयर इन कॉलम में आपको न्यूमरिक में भर देना है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि आप 18 साल से कम है तो आपको एक गार्जियन को चूज़ करना पड़ेगा जो आपको रिप्रेजेंट करे आप अपने परिवार में, तो जो भी आप अपने परिवार में जिस भी गार्जियन को चूज़ करेंगे उसका नाम आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। उसके बाद रिलेशनशिप डालना है कि गार्जियन आपके साथ क्या है, फादर मदर ब्रदर, ठीक है, वो रिलेशन आपको यहाँ पर भर देना है। उसके बाद गार्जियन का एड्रेस आपको यहाँ पर डाल देना है। तो बेसिकली ये कॉलम आपको तब भरना है जब आप 18 साल से कम के हैं और यहाँ पे आपको सबसे पहले यस पे टिक लगाना है, फिर ये कॉलम भर देना है। 18 साल से ऊपर के हैं तो सिंपली नो पे आपको टिक लगाना है, ये कॉलम छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद आठवें पे पूछा गया है ये किस टाइप का अकाउंट है, सिंगल अकाउंट है या ज्वाइंट खाता है। बेशक इस फॉर्म में हम सिंगल के तौर पर सीख रहे हैं तो सिंगल पर टिक लगाना है। अगर दो एप्लीकेंट इस फॉर्म को भर रहे होते यानी कि ज्वाइंट खाता होता तो आपको ज्वाइंटली पे टिक लगाना है। उसके बाद नाइन्थ में पूछा है डिपॉजिट डिटेल, तो यहाँ से आप बैंक से पूछ सकते हैं कितने अमाउंट से ये अकाउंट खोला जा सकता है। जैसे कि आज की डेट में 1000 रुपये में ये अकाउंट खोला जा रहा है, तो मैंने यहाँ पे 1000 रुपये यहाँ पे डाल दिया है। तो 1000 अकाउंट खुलने के बाद आप किस फॉर्म में देंगे, कैश में देंगे या चेक में देंगे, ये आप बैंक से पूछ सकते हैं कि वो कैश में एक्सेप्ट कर रहा है या ये चेक के फॉर्म में लेगा। बेसिकली कैश में लोग बैंक वाले ले लेते हैं, तो आपको यहाँ पे जिस अमाउंट से ये अकाउंट खोला जा रहा है, ठीक है, मिनिमम बैलेंस जो होता है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे कि 1000 मैंने यहाँ पे डाल दिया और क्योंकि मैं कैश में दे रहा हूँ तो मैंने कैश में यहाँ पे टिक लगा दिया। अगर आपका बैंक कैश अलाउ नहीं करता है, वो चेक मांगता है, ठीक है, तो सबसे पहले दूसरे कंडीशन में आपको चेक पे टिक लगाना है। चेक की 6 डिजिट की नंबर आपको यहाँ पे डालनी है, डेट डाल देनी है जिस दिन चेक ड्रॉ कर रहे हैं, किस बैंक का चेक है और किस ब्रांच में ड्रॉ किया गया, ये आप चेक की डिटेल यहाँ पे भर सकते हैं। 10th कॉलम में आपसे पूछा गया कि क्या आप अपनी आधार को सीड करना चाहेंगे बैंक अकाउंट के साथ, यानी कि क्या आप अपने आधार नंबर को जिस समय आप अकाउंट खोल रहे हैं उस समय अपने आधार के साथ इस बैंक अकाउंट को जोड़ना चाहेंगे, तो आपको यस पे टिक लगाना है, ठीक है। और यस पे टिक लगाने के बाद आपको अपने 12 डिजिट का आधार नंबर इस पहले वाले एप्लीकेंट में भर देना है, और अगर ज्वाइंट खाता है तो दूसरे एप्लीकेंट को दूसरे वाले कॉलम में अपना आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे जो है पुट करना है। ऐसा करने से क्या होगा, आपका अकाउंट स्टार्टिंग से ही आधार कार्ड से जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये कॉलम इस पेज की सारी एंट्रीज हो गई, चलिए अब चलते हैं दूसरे पेज पे। तो 11 पॉइंट पे हम आते हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको अगर आप इंडिया में रहते हैं तो पहले वाले कॉलम में आपको टिक लगा लेना है जिसमें ये लिखा हुआ है कि आप इंडिया के नागरिक हैं, ठीक है। उसके बाद 12 पे आपको आता है ऑक्यूपेशन डिटेल, ठीक है, आपकी पेशा जो भी आपका पेशा है उसका डिटेल आपको डालना है, ठीक है। अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी में टिक लगाएंगे, अगर आपका खुद का कोई बिजनेस है सैलरी एम्प्लॉयमेंट में टिक लगाएंगे, स्टूडेंट हाउसवाइफ, तो जो भी आपका पेशा है आप टिक लगा सकते हैं, मैंने स्टूडेंट पर लगा दिया। अगर आप जॉब करते हैं तो किस टाइप का बिजनेस है, पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, पार्टनरशिप है, ठीक है, या सरकारी नौकरी है, तो ये आप यहाँ पर टिक लगा सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड सिंस, अगर आप जॉब करते हैं तो कितने साल से जॉब कर रहे हैं, ये आप यहाँ पे डाल सकते हैं, कितने साल कितने महीने हो गए। कंपनी है तो किस दिन कंपनी फॉर्म हुई थी उस कंपनी का आप यहाँ पे डेट डाल सकते हैं। कंपनी का नाम आपको डालना है एस्टेब्लिशमेंट नेम में। नेचर ऑफ बिजनेस की, अगर आप बिजनेस करते हैं तो किस टाइप का बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस प्रोवाइडर, आप टिक लगा सकते हैं। अदर है तो आपको यहाँ पे नाम डाल लेना है। किस टाइप की कंपनी है, अगर आपने कंपनी फॉर्म कर रखी है तो इसको प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप, पब्लिक कंपनी, वो भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अगर जॉब करते हैं, अगर आपकी कंपनी है तो किस टाइप की बिल्डिंग है, आपकी खुद की है या रेंटेड है, वो आप यहाँ पर टिक लगा सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अगर खुद का पेशा है तो क्या है आपका पेशा, डॉक्टर, CA, CS, लॉयर, आप यहाँ पर टिक लगा सकते हैं। आपके पास फंड्स कहाँ से आते हैं, आपके पास पैसा कहाँ से आता है, सैलरी से आता है, बिजनेस से आता है, एग्रीकल्चर, इन्वेस्टमेंट या अदर्स, मैंने अदर्स पर टिक लगाया। और यहाँ सेविंग्स ने दिया, यानी कि बचत के तौर पर मेरे पास पैसा आता है। सालाना आपकी इनकम कितनी है, वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, मैंने 1 लाख से कम यहाँ पे दिखा रखा है, तो यहाँ पे आप अपनी सालाना इनकम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं।
उसके बाद आता है 13 कॉलम, सबसे इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से कॉलम शुरू होगा, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले पूछा है इंटरनेट बैंकिंग सर्विस, आपको पहले वाले ए पे आई अप्लाई फॉर पीएसबी इंटरनेट बैंकिंग पे आपको टिक लगाना है, यानी कि आप इंटरनेट बैंकिंग की सर्विस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो ए पे आपको टिक लगा देना है। उसके बाद फर्स्ट एप्लीकेंट में आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देनी है, ठीक है। उसके बाद मोबाइल बैंकिंग में आपको जो है आई विश टू अप्लाई पे टिक लगाना है, यानी कि आप अप्लाई करना चाहते हैं मोबाइल बैंकिंग लिए, ये बड़ा मस्त है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, ठीक है, जो नंबर आप रजिस्टर्ड करना चाहते हैं मोबाइल बैंकिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड के लिए आपको यहाँ पे टिक लगाना है। उससे पहले एसएमएस अलर्ट्स भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसमें आपको टिक लगाना है रिक्वायर्ड, ठीक है, ताकि जो जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन करेंगे खासतौर पे एटीएम से पैसे निकालेंगे, ठीक है, तो आपके पास मैसेज आ जाए, ठीक है, तो उसके लिए एसएमएस अलर्ट्स का रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, तो रिक्वायर्ड में आपको टिक लगाना है। उसके बाद मोबाइल नंबर आपको डाल देना है, ठीक है। उसके बाद एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड के लिए भी आपको आई एग्री या आई विश टू अप्लाई फॉर पी एस बी ए टी एम कार्ड डेबिट कार्ड के लिए आपको टिक लगाना है, ठीक है। उसके बाद चेकबुक के लिए भी आपको यहाँ पे यस पे टिक लगा देना है, ठीक है। उसके बाद उसके ए टी एम के जस्ट नीचे लिखा है नेम टू बी प्रिंटेड ऑन द कार्ड, क्योंकि आपने डेबिट कार्ड ए टी एम कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया है, ठीक है, यहाँ पे टिक लगा के, तो जो नाम आप चाहते हैं आपके ए टी एम कार्ड में छपे वो नाम आपको यहाँ पे डाल देना है, जो भी आप यहाँ पे डालेंगे वो आपके ए टी एम कार्ड में छप जाएगा। उसके बाद आता है फॉर्म नंबर 6061, तो ये कॉलम बेसिकली आपको तब भरना होगा जब आपके पास पैन कार्ड नहीं है। तो बेसिकली जब भी आप अकाउंट ओपन करने जाएं इस खासतौर पंजाब एंड सिंध बैंक में, तो कोशिश करिए पहले से आप आधार कार्ड और पैन कार्ड बनवा लें, लेकिन फिर भी कोई भी कारण चलते अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको फॉर्म 6061 भरना पड़ता है, ठीक है। इसमें आपको एक आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ की एक फोटो कॉपी लगानी होती है, तो चलिए ये कैसे भरते हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहले फुल नेम ऑफ डिक्लेरेंट, ठीक है, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं तो सबसे पहले आपको पूरा नाम डाल लेना है, ठीक है, जो आपने पहले कॉलम में भरा था, ठीक है, पूरा नाम आपको यहाँ पे डाल लेना है। उसके बाद पर्टिकुलर ऑफ ट्रांजेक्शन में वो आपको वो अमाउंट डाल लेना है, न्यू पे आपको टिक लगा देना है, ठीक है। उसके बाद अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन में आपको 1000 रुपये रुपीज़ में डाल देना है जितने अमाउंट से ट्रांजेक्शन शुरू करने। आर यू एसेस टू टैक्स, इसमें आपको नोट कर देना है, क्योंकि आप टैक्स आपको नहीं देना होता है, तो यहाँ पे नो पे कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, यहाँ पे आपको डेट डाल देनी है, प्लेस में सिटी का नाम डाल देना है, और यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर आपको वो वाला करना है जो आपने स्टार्टिंग में जहाँ पे आपने फोटो चिपकाई थी पहले पेज में, उसके बगल में जो साइन कर रखा है वही वाला आपको यहाँ पे साइन करना है, ठीक है। इस कॉलम के सपोर्ट में आपको एक आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ की फोटोकॉपी लगानी होगी, ठीक है। आईडी प्रूफ में यहाँ पे पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, ई आधार, बहुत से डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई भी आप डॉक्यूमेंट एक चूज़ करके उसकी फोटोकॉपी आप लगाएंगे। और एड्रेस प्रूफ में भी आपको पासपोर्ट, वोटर आईडी, आधार कार्ड, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, इनकी कोई भी एक फोटोकॉपी आप एड्रेस प्रूफ के तौर पे यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद आता है फॉर बैंक यूज ओनली, ये कॉलम आपको छोड़ देना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है नॉमिनेशन फॉर्म, ये इसके लिए भी आपको जो है अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ये इसमें फ़ायदा ये होता है कि अगर आपकी डेथ हो जाती है तो जो भी आप अपने नॉमिनी को चूज़ करेंगे अपने परिवार में, उसको जो भी आपके अकाउंट में जो भी फंड्स बचा होगा वो उसको वापस कर दिया जाता है, तो इस फैसिलिटी के लिए आप ज़रूर अप्लाई करें। तो अप्लाई करने के लिए आपको पहले वाले कॉलम पे आपको टिक लगा देना है यस कि मैं इस फैसिलिटी लेना चाहता हूँ, ठीक है, तो पहले वाले पे आपको टिक लगाना है। उसके बाद नीचे सेविंग पे आपको टिक लगा देना है, क्योंकि सेविंग अकाउंट आप खुलवा रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको आप नॉमिनी की डिटेल भरनी होगी जिसको आप नॉमिनी बनाएंगे। सबसे पहले आए अगर सिंगल अकाउंट है और अगर ज्वाइंट खाता है तो वी पे टिक लगाएंगे। अपना पूरा नाम डाल देंगे जिस नाम से आपका ये अकाउंट चलता है जो आपने पहले कॉलम में भरा है। उसके बाद नेचर ऑफ अकाउंट में सेविंग या करंट में जिस टाइप का अकाउंट है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद अकाउंट नंबर आपको छोड़ देना है, एडिशनल डिटेल छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नॉमिनी की डिटेल भरनी है जिसको आपने नॉमिनी बनाया है। सबसे पहले उस नॉमिनी का नाम डालना है, अपने परिवार में किसी को भी बना सकते हैं। उसके बाद उसका एड्रेस डाल देना है, रिलेशनशिप डाल देना है, क्या है, फादर, मदर, वाइफ, ठीक है, हस्बैंड, ठीक है, वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसकी एज डाल देनी है और उसकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, ठीक है, तो ये आप यहाँ पे कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप, और एक यहाँ पे चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर आप नॉमिनी किसी 18 साल से कम आदमी को बनाते हैं अपने परिवार में, ठीक है, उस कंडीशन में आपको एक गार्जियन अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बिहाफ में,
तो जिसको अगर आप आपके परिवार में ऐसा कोई है जिसे आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं, वो 18 साल का है, तो आपको एक गार्जियन चूज करना पड़ेगा जिसका नाम आपको यहाँ पे नाम डाल देना है और स्लैश मार के उसका घर का एड्रेस भी आपको यहाँ पे डाल देना है। ये कॉलम यहाँ से पूरा हो जाएगा। उसके बाद सिग्नेचर आपको करना है, पहले एप्लीकेंट को यहाँ पे साइन करना है, साइन वही करना है जो अब तक आप इस फॉर्म में करते आए हैं। दूसरा एप्लीकेंट अगर ज्वाइंट खाता है तो दूसरे एप्लीकेंट को यहाँ पे साइन करना है, ठीक है। प्लेस में सिटी का नाम डाल देना है, डेट डाल देनी है जिस दिन फॉर्म सबमिट करेंगे। फर्स्ट विटनेस में आप यहाँ पे जो भी आप नॉमिनी जिसको नॉमिनी बना रखा है उससे आप साइन करा सकते हैं, ठीक है। उसका आप सबसे पहले सिग्नेचर करवाना है, नेम डलवा लेना है, उसका एड्रेस डलवा लेना है। ये वाला कॉलम आप उससे भी भरवा सकते हैं जिसका ऑलरेडी यहाँ पे अकाउंट है पंजाब एंड सिंध बैंक में। पर इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, फॉर्म पूरी तरह से कम्प्लीट हो चुका है, ठीक है। अब आप इसमें आधार कार्ड और पैन कार्ड की फोटो कॉपी लगा सकते हैं। 1,000 रुपये आप कैश में लेके इस फॉर्म को भर के बैंक में सबमिट कर सकते हैं। जैसे आपका अकाउंट आपको नंबर अलॉट कर दिया जाएगा 1 से 2 घंटे के बीच, उसके बाद आप अपना 1,000 रुपये सबमिट करके अकाउंट खुलवा सकते हैं। एक बार अकाउंट खुल जाएगा आपको कुछ दिन के अंदर पासबुक और चेकबुक मिल जाएगी, ठीक है। तो इस ढंग से आप पंजाब एंड सिंध बैंक में अकाउंट ओपन सेविंग बैंक खुलवा सकते हैं। तो उम्मीद है आप फाइनली सीख चुके होंगे। अगर आपका अभी भी अकाउंट नहीं है तो तुरंत जाइए और आज ही फॉर्म लेके भरवा के खुलवा लीजिए। तो फाइनली अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।